नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ एसडीएम का नहीं मिला शव, गोताखोर और रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। शुक्रवार को नदी के तेज बहाव में बहे थे एसडीएम मीणा। आरयू के कला वर्ग के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राजस्थान पर आधारित प्रश्नों का भारण 40% करने, वहीं गणित को मुख्य परीक्षा से हटाए जाने की भी की मांग। कोटा में बच्ची को टॉफी देकर अपहरण करने की कोशिश, लोगों ने युवक को पुलिस के किया हवाले। युवक पर कई मामले हैं दर्ज, महावीर थाने इलाके का है मामला। कोटा में चैन स्नैचर फिर से हुए सक्रिय, राहगीर चलती महिला के गले से तोड़ी सोने की चैन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही है युवक की तलाश। जोधपुर के ओसिया में सोशल मीडिया पर हिंदू देवताओं को टिप्पणी करने का मामला, ग्रामीणों ने पुलिस थाने में कराया मुकदमा दर्ज। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। एवं राजस्थान में खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में तेज बहाव में बहे एसडीओ रामेश्वरलाल मीना का शव नहीं मिल पाया है। गोताखोर और रेस्क्यू टीम का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री घन सिंह रावत और संसदीय सचिव भीमा डामोर ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर हैं। आपको बता दें कि एसडीएम मीणा सरकारी गाड़ी में कुशलगढ़ के लिए लौट रहे थे और नदी में तेज बहाव के चलते गाड़ी सहित बह गए। गाड़ी चालक को बचा लिया गया है। एसडीएम मीणा का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। ऐसे में गोताखोर और रेस्क्यू टीम का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं एसडीएम मीणा का 8 माह बाद सेवानिवृत्ति होना बचा हुआ था। अनंतपाल एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर राजपूत सभा भवन में शनिवार को सर्व समाज की बैठक हुई। इसमें सर्व समाज संघर्ष समिति का गठन किया गया। वहीं राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा और समिति के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने पत्रकारों को बताया कि संघर्ष समिति अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। दोनों नेताओं ने सरकार पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है। कालवी ने सामराज से कर्फ्यू हटाने, परिवार को राशन पानी लाने की इजाजत देने, श्रवण सिंह के परिवार से नजरबंदी हटाने, आनंदपाल के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने, घायलों के परिजनों से मिलने और सोहन सिंह को उसके परिजनों से मिलने और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। वहीं संघर्ष समिति ने मांगे नहीं मानने पर राज्यव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं सरकार पर ऐतिहासिक दमन का आरोप लगाया है, जिस तरह से 12,000 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए। स्थिति उत्पन्न नहीं क्यों हुई? सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। 18 दिन से अब सब संघर्षरत हैं, सारे समाज के लोग संघर्षरत हैं। ये खाली राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज की बात नहीं, लेकिन सारे समाज, 36 कौम के लोग सारी संवेदनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी विडंबना की बात है
कि 13 तारीख को सावराद में 5 लाख आदमी न जाने कहां कहां से वहां पहुंचे थे, 12 तारीख को वहां पहुंचने वाले लोगों में जो 5 लाख से ज्यादा लोग थे उनमें लगभग 50,000 आदमी वो थे जो यहाँ पर इनकम टैक्स पेज हैं, वो भारत के कानून और व्यवस्था में अपनी पूरी आस्था रखते हैं। आज सर्वोच्च स्तर पर इसकी जांच हुई, जो 12 से पहले था उसकी और जो 12 से बाद हुआ उसकी। एक लाश 20 दिन से निस्तारण के लिए थी, एक लाश फिर तैयार। अगर सरकार ब्रह्म हत्या तो वैसे ही बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए सरकार से भी बहुत उच्च स्तर पर हम राष्ट्रपति अभी नए आएंगे, प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद हैं, हम सब एक आध दिन के अंदर अंदर ही तारीख यहां पर तय करें या न करें उसके लिए। और सबसे बड़ा जिस तरह से कल के दिन पूरी सरकार को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जनता का कहीं पर कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है, कहीं काले झंडे दिखा रहे हैं, कहीं पर कुछ कार्रवाई हो रही है, ये सारी बातें तब हैं कि गुलामी की हद तक हम और हमारा समाज इस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। राजस्थान विश्वविद्यालय के कला वर्ग के छात्रों की ओर से विभिन्न मांगों के लिए कर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का कहना था कि गणित को मुख्य परीक्षा से हटाया जाए, साथ ही छात्रों ने विज्ञान विषय के प्रश्नों का सामान्यकरण कर अनुप्रयोगात्मक बनाया जाए है। वहीं राजस्थान आधारित प्रश्नों का भारांश कम से कम 40% करने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। का अंतिम परिणाम भी आ चुका है, उसके अंदर गणित को लेकर के, मैथ सब्जेक्ट को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो वेटेज जो गणित के स्टूडेंट्स को ज्यादा मिला है, वो ह्यूमैनिटीज वाले लोगों के साथ में तो भेदभाव जो है उनके खिलाफ जो है, लेकिन मैथ्स गणित वालों के पूरे हित के अंदर है। हमारी मांग यह है कि RPSC अपने पाठ्यक्रम से मुख्य परीक्षा से गणित को हटा दे। प्रीलिम्स के अंदर से हम गणित हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग न्यायोचित इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी PCS के एग्जाम में मैथ्स को मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता। IAS के अंदर ये जो UPSC एग्जाम करवाती है, UPSC जो आदर्श है सिविल सेवाओं का, उसने भी मैथ्स को क्वालिफाइंग कर रखा है, उसके बावजूद में RPSC अगर गणित को अपने मुख्य पाठ्यक्रम के अंदर डालती है तो इसके पीछे हमें षड्यंत्र जो होती है उसकी बदबू आती है। आर्ट्स के यहाँ पे बच्चे जो है मोस्टली इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो अगर आपको जॉब प्रोवाइड करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को वाकई सपोर्ट करनी है और आप अच्छे बच्चों को, अच्छे नवयुवक को आप अगर पोजीशन देना चाहते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ये जो मैथ्स का गेम खेल रहे हैं थोड़ा बंद करें, क्योंकि यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के इतने ज़्यादा हैं। या तो आप स्टार्टिंग में बच्चों को ये बता दें कि स्कूल लेवल पर जो है आप मैथ को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको जॉब नहीं मिलना, या उन्हें बचपन में क्लियर कर दें। स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में बच्चों को टॉफी देकर अपहरण करने के प्रयास का मामला सामने आया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपहरणकर्ता की इस साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल संतोषी नगर इलाके के सरकारी स्कूल में बालिकाएं पढ़ने जाती हैं, इस दौरान एक युवक रोजाना वहां आकर बच्चों को टॉफी देने की कोशिश करता है। युवक ने एक बालिका को टॉफी देकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले एक बालिका को 100 रुपए देकर अपने साथ ले जाने का भी प्रयास किया था, जिसकी शिकायत बालिका ने अपनी मां से की। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं थाना अधिकारी प्रमोद का कहना है कि युवक के खिलाफ RKपुरम थाने में भी इस तरह के मामले दर्ज हैं, ऐसे में मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। संतोषी नगर निवासी हैं, 3-4 बच्चियां हैं उनके, ये स्कूल जाती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, और एक कोई व्यक्ति है जो इनका कई दिनों से पीछा करता है,
कभी किसी को 10 का नोट देता है कि तुम कोई चीज़ खा लेना और मेरे साथ घूमने चलना, कभी किसी बच्ची को टॉफ़ी देता है, कभी बिस्किट देता है, लालच देता है देने का। बच्चियां वैसे छोटी क्लास में पढ़ती हैं, 4th क्लास में, लेकिन समझदार हैं। और उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई, एक अंकल इस तरह से करते हैं, तो माता पिता ने कहा अपने टीचर को बात बताना। तो शिक्षक लोगों को आज उन्होंने ये बात बताई होगी, जब वो बच्चियों का कई दिनों से पीछा कर रहा है, बार बार उनके आगे पीछे जाता है, उनको बहलाना फुसलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सूरत में टीचर्स उनको लेके आज थाने पे आए, जिनके माता पिता को भी हमने बुलवा लिया और वो बच्चियों की तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कोटा शहर में एक बार फिर चैन स्नेचर सक्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे में चैन स्नेचर ने राह चलती एक महिला को निशाना बनाकर महिला के गले से चैन तोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन स्नेचर का कोई सुराग नहीं लग सका है। दरअसल महावीर नगर निवासी महिला आशा मीणा अस्पताल में भर्ती अपनी माँ से मिलकर घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में घर से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रहे एक युवक ने महिला के गले से चैन तोड़ी और मौके से भाग गया। वहीं महिला ने युवक का पीछा किया, लेकिन तब तक युवक तेजी से भाग गया था। आपको बता दें कि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। महिला थी जो सुधा हॉस्पिटल अपनी माँ को देख के अपने घर जा रही थी, तो एक गली के मोड़ पे एक व्यक्ति ने उनके गले से पीछे से जाके चेन खींच के तोड़ के भाग गया और उसके संबंध में वहाँ यह मुकदमा दर्ज हो गया। सब जगह उसकी उसके हुलिया उसके हिसाब से आसपास हमने सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं, जिसमें वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा जिला सत्र न्यायालय में न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सिटी कमीशन के शेष परिलाभ दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। वहीं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल तोलंबिया ने इस बारे में बताया कि शेष परिलाभ के लिए कर्मचारी 19 जुलाई तक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर विरोध करते हुए कामकाज कर रहे हैं। इसके बाद 20 जुलाई से सभी न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। भरतपुर में शनिवार को मथुरा गेट थाना क्षेत्र के जवाहरनगर चौराहे स्थित सरस बूथ पर करंट आने से बूथ कर्मी की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार नगला हीरादास निवासी संजय जवाहरनगर स्थित सरस बूथ पर कार्य कर रहा था, जहां बिजली के तार में करंट लगने से वह अचेत हो गया और मौके पर मौजूद लोगों ने संजय को इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। राजधानी के दूदू में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चांदना की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाया है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालाराम भड़ाना, सचिव आरिफ शेख, हनुमान जूडी, नबी मोहम्मद सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे किसानों की पदयात्रा कर रहे थे, पूरे राजस्थान में किसानों की हाहाकार मच रही है, उनका कर्ज माफ नहीं हो रहा है, इसके लिए वह शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकाल रहे थे। तभी पुलिस वाले वहां आ गए, सरकार के इशारे के ऊपर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, उनकी जमानत तो हो गई कल, लेकिन उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे, जो धाराएं लगाई गई थी, उनको क्लियर नहीं किया गया। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने दबिश देकर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई प्रशिक्षु एसआई घासीराम के नेतृत्व में चुड़ला गांव में की गई।
आपको बता दें कि 2012 से डीपी चोरी के दो मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि चुड़ला की सीमली निवासी महेंद्र मीणा विद्युत चोरी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी सीकर न्यायालय का स्थायी वारंटी भी था। वहीं पुलिस ने आरोपित को पकड़ने के लिए पूर्व में कई बार दबिश दी, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को सीकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अजमेर जिले के नसीराबाद में टेकरी मस्जिद निवासी 60 वर्षीय हसीना बानो के घर के बाहर से वो लापता हो गई। जानकारी देते हुए हसीना बानो के पुत्र सलीम कुरेशी ने बताया कि उसकी मां कुछ दिनों से मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और वह घर में ठीक से नहीं रह पा रही थी, जिस पर परिजनों ने हसीना बानो को चिकित्सकों को भी दिखवाया था, जिसका इलाज भी करवाया गया है। इसी के चलते अक्सर घर के बाहर घूमने निकल जाती थी और कुछ देर बाद पुनः लौट आती थी। गत 22 जून को भी हमीदा बानो रोजाना की तरह घर से घूमने को निकली और वापस नहीं आई। परिजनों ने 2 दिन सभी रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही से एक 22 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। वहीं मामले में परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने हालात को देखते हुए भी उसको ना तो भर्ती किया और ना ही भर्ती होने की सलाह दी। सीने में दर्द के बावजूद इमरजेंसी डॉक्टर द्वारा सिर्फ दवाई देकर भेज देने से मामला बिगड़ गया है। वहीं लड़के ने जैसे ही दवाई ली उसकी मौत हो गई। वहीं पीएमओ ने जांच कमेटी बैठाने की बात कही है। वहीं युवक की मौत के बाद परिजन शव के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ गए हैं। वहीं डॉक्टरों और परिजनों में कई वार्ता विफल रही तो वहीं पीएमओ के आश्वासन पर शव का पोस्टमार्टम करवाने को राजी हो गए, तो पीएमओ ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि लापरवाह डॉक्टर पर उचित कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगी। श्रीगंगानगर का राजकीय चिकित्सालय एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। अपनी लापरवाहियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता हुआ श्रीगंगानगर का राजकीय चिकित्सालय एक बार फिर चर्चा में। 22 वर्षीय युवक की अचानक मौत के बाद उसकी लापरवाही सामने आई है। युवक के द्वारा वहां पे इमरजेंसी वार्ड में जाने के बावजूद उसे सिर्फ दवाई देकर घर भेज दिया गया और घर जाने के बाद जैसे ही उसने दवाई ली युवक की मौत हो गई। उसको लेकर परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय में हंगामा किया और देर शाम तक हंगामा चलता रहा और आखिर उनके बीच में एक बात बनी और पोस्टमार्टम करके युवक को घर भेज दिया गया। जोधपुर के ओसिया में केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने विश्व के सबसे ऊंचे रुद्राक्ष से महाशिवलिंग के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। ओसिया कस्बे के गौशाला रोड पर स्थित कैलाश मानसरोवर धाम में केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने रुद्राभिषेक के बाद यज्ञशाला में पहुंचकर यज्ञ में आहुतियां दी। उसके बाद पंडित बटुक भाई व्यास ने केंद्रीय मंत्री चौधरी का रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कृषि मंडी चेयरमैन जगराम विश्नोई, डायरेक्टर दिलीप सोनी भी मौजूद रहे। जयपुर के विद्याधर नगर के उत्सव हॉल में वसुंधरा लेडीज क्लब ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 2 दिवसीय सतरंगी सावन मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में 150 से अधिक स्टॉल पर महिला उद्यमी अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही हैं। राजस्थान के सतरंगी सावन मेले में जयपुर के साथ साथ बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा शहर की उद्यमी महिलाएं भाग ले रही हैं। इस एग्जीबिशन में लहरिए के अलग अलग वेरायटी के सलवार सूट, ज्वेलरी, राखी, गिफ्ट आइटम्स, बेडशीट, बैग्स, पर्स, फूड, अन्य आइटम्स की स्टॉल्स देखने को मिल रही हैं। एग्जीबिशन में शहर की महिलाओं ने जमकर खरीदारी की है। वसुंधरा लेडीज क्लब इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसमें जो होता है कि जो बहनें अपना इंडिविजुअल काम करती है, बुटीक चलाती है या जो भी बहनें हैं वो काम करती हैं, तो वो आकर यहाँ पे अपना सामान डिस्प्ले करती है और इससे छोटे छोटे उद्योगों को हम लोग बढ़ावा देते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है समाज का और पब्लिक में किस तरीके से डील करना है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है वसुंधरा क्लब में। टोंक के निवाई में 9 दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ।
कथा के शुभारंभ अवसर पर 1100 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। यात्रा का ड्रोन से पुष्प वर्षा कर शानदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कलश यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्री राम कथा को लेकर हाथी, घोड़े, ऊंट, संतों की बग्गी, अखंड रामधुनी के साथ हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु कई बैंड बाजों की मधुर धार्मिक धुनों पर नाच रहे थे। धौलपुर जिले के सेपू एसडीएम ने कस्बे के राशन डीलर की दुकान पर छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम द्वारा अचानक की गई छापामारी की इस कार्रवाई से राशन डीलरों में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने बताया कि सेपू कस्बे के राशन डीलर लक्ष्मण सिंह की आए दिन शिकायतें मिल रही थी। वहीं निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई। गेहूं और केरोसिन के स्टॉक में भी खासी गड़बड़ी पाई गई है। जोधपुर के ओसिया में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर गलत तरीके से टिप्पणी कर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया फेसबुक पर रविंद्र नामक व्यक्ति द्वारा सावन माह में चल रहे रुद्राभिषेक पर गलत टिप्पणी करने से शिव भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कथित व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराते हुए ऐसे समाज कंटकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं ब्राह्मण महासभा के तहसील अध्यक्ष विक्रम सेवक के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने फेसबुक पर इस तरह की जो बातें हैं, जो पोस्ट हैं, उनकी निंदा की और पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।